हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो तो देखिए आज हम सॉल्व करेंगे ये लोकस का क्वेश्चन सर्कल टॉपिक से ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखते ही मुझे लगा कि इसका सॉल्यूशन देना चाहिए बेस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन और मुझे लगता है ये ट्रिकी क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है तो लोकस इसमें हमें फाइंड आउट करने का है और अच्छा क्वेश्चन है तो देखिए पहले क्वेश्चन हम देखेंगे क्या गिवन है हमें लाइंस गिवन है वन प्लस लैमडा एक्स प्लस फोर माइनस लेमडा वाई प्लस टू प्लस लेमडा इक्वल टू ज़ीरो

तो हमें पूछा है लोकस पूछा है सेंट्रोइड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी लैमडा इज अ पैरामीटर तो ये इक्वेशंस देखिए लाइंस से तो ये है फैमिली ऑफ लाइंस के इक्वेशंस तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल का कॉम्बिनेशन है तो देखिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो दोनों फैमिली ऑफ लाइंस के इक्वेशन पहले हम नोट करेंगे सो so, फर्स्ट फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है वन प्लस लैमडा इंटू एक्स प्लस फोर माइनस लैमडा इंटू वाई प्लस टू प्लस लैमडा इक्वल टू जीरो एंड सेकंड फैमिली ऑफ लाइन इज़ फोर माइनस लैमडा इंटू एक्स माइनस वन प्लस लैमडा इंटू वाई प्लस सिक्स माइनस थ्री लैमडा इक्वल टू जीरो सो दीज आर द टू फैमिली ऑफ लाइन्स तो इस पहले फैमिली ऑफ लाइन्स को हम इस तरह से लिखेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा कलेक्ट करेंगे तो देखिए एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू जिसमें लैमडा नहीं है बाकी सब टर्म से हम लैमडा कॉमन लेंगे तो uh, हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो और इसी तरह से इस इक्वेशन को भी लिखेंगे तो हमें मिलेगा फोर एक्स Uh, y की टर्म देखिए माइनस वाई प्लस सिक्स और रिमेनिंग टर्म में से हम लेमडा कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने u प्लस के वी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लिखे हैं और आपको पता है u प्लस के वी इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यू इक्वल टू जीरो एंड वी इक्वल टू ज़ीरो तो हमें फर्स्ट फैमिली ऑफ लाइन्स कहा है कॉन्कर ऐट ए और सेकेंड फैमिली ऑफ लाइन्स दिया है कॉन्कर ऐट पॉइंट बी बहुत सारे लाइन्स है मैंने सिर्फ यहाँ पर टू लाइन्स दिखाए फैमिली ऑफ लाइन्स का ये इक्वेशन है तो अब हमें कहा है कि ये दोनों फैमिली ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट होते हैं ऐट पॉइंट सी ये इट मीन्स ईच लाइन फ्रॉम फर्स्ट फैमिली इंटरसेक्ट टू ईच लाइन ऑफ सेकंड फैमिली और uh, हमें ए बी सी ट्रैंगल का सेंट्रोइड है उसका लोकस पूछा है वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी तो हमें क्या करना चाहिए आप सोचिए मैं तो कहूँगा इस क्वेश्चन uh, को आपने ज़रूर सोल्यूशन देखने से पहले ट्राई करना चाहिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हमें सेंट्रोइड का लोकस पूछा है तो आ, पहले मैंने दोनों इक्वेशंस ऑब्जर्व किए सी दिस टू इक्वेशंस केयरफुली इन इक्वेशंस को देखने के बाद आ, ये जो फर्स्ट फैमिली ऑफ लाइंस है इसमें ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू और ये सेकंड फैमिली ऑफ लाइन में इक्वेशन है फोर एक्स माइनस वाई प्लस सिक्स इनके स्लोप्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे स्लोप दिखाई दे रहा है माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन बाई फोर और यहाँ पे स्लोप देखिए फोर है फिर लैमडा के बाद जो इक्वेशन है फर्स्ट फैमिली ऑफ लाइंस में वो है एक्स माइनस वाई प्लस टू और यहाँ पे है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस थ्री तो इनके भी स्लोप्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्लोप है हियर स्लोप इज माइनस वन अपन माइनस वन वन स्लोप है और यहाँ पे यहाँ पे स्लोप है सॉरी uh, यहाँ पे वन और यहाँ पे माइनस वन स्लोप है ओके तो इन स्लोप्स को अगर हम देखेंगे तो वी uh, so, uh, uh, से दैट दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन सो ये पॉइंट से पास होने वाली हर एक लाइन बी पॉइंट से पास होने वाले हर एक लाइन को परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर एट पॉइंट सी तो इस तरह से देखिए ये लाइंस ए से पास होती है और ये लाइन बी से पास होती है और दोनों इंटरसेक्ट होती है एट राइट एंगल ये सिर्फ मैंने दो लाइंस दिखाई है अगर हम इस फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन देखेंगे फर्स्ट फैमिली ऑफ लाइंस का और सेकंड फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ से भी हमें पता चलता है ईच लाइन ऑफ फर्स्ट फैमिली इज परपेंडिकुलर टू ईच लाइन ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ सेकंड फैमिली तो यहाँ पे देखिए स्लोप है माइनस ऑफ वन प्लस लेमडा अपॉन फोर माइनस लेमडा और यहाँ पे अगर देखेंगे हम स्लोप तो यहाँ पे स्लोप आएगा माइनस ऑफ माइनस ए बाई बी माइनस ऑफ फोर माइनस लेमडा अपॉन माइनस ऑफ वन प्लस लेमडा यहाँ पे भी दोनों स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन है बोथ स्लोप्स आर नेगेटिव्स नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ इच अदर तो यहाँ पे एम वन इन एम टू इक्वल टू माइनस वन है तो इसका मतलब इट मीन्स दैट ईच लाइन ऑफ फर्स्ट फैमिली इज परपेंडिकुलर टू करस्पोंडिंग लाइन ऑफ सेकेंड फैमिली तो यहाँ से हम क्या hmm, रिजल्ट ले सकते हैं देखिए ये पॉइंट अगर सी है ये पॉइंट सी है ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो ये सी पॉइंट कहाँ पे होगा वेयर दिस सी पॉइंट विल लाई तो देखिए सी पॉइंट विल लाई ऑन द डायमीटर ऑन द सर्कल ऑन द सर्कल हुज डायमीटर इज ये भी इस तरह से ये लोकस फॉर्म होगा देखिए सी पॉइंट सर्कल पे आ रहा है और इस सर्कल का डायमीटर होगा ए बी सो ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड सी पॉइंट विल लाइ ऑन द सर्कल डायमीटर इज ए बी सी पॉइंट का लोकस uh, हमें एक सर्कल मिलेगा सो पॉइंट सी लाइज लाइज ऑन द सर्कल हम कहेंगे पॉइंट सी लाइज ऑन द सर्कल हैविंग ए बी ए बी एज डायमीटर तो ये पॉइंट हमारे समझ में आना चाहिए हियर दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो इसका ही यूज़ करके हम इस सेंट्रोइड जी का लोकस फाइंड आउट करेंगे तो लेकिन सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये तीनों वर्टाइस के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए तो ए uh, और बी के कॉर्डनेट्स तो हमें मिल सकते हैं वी कैन फाइंड द कॉर्डनेट्स ऑफ पॉइंट ये बिकॉज फर्स्ट फैमिली ऑफ लाइन इज़ कॉन्करेंट एट पॉइंट ए एंड सेकेंड फैमिली ऑफ लाइन इज कॉन्क्रंट एट पॉइंट बी तो ये होगा uh, ये यू ये दोनों इक्वेशन यू इक्वल टू जीरो वी इक्वल टू जीरो सोल्व करेंगे तो हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और सेकेंडिफ सेकेंड फैमिली ऑफ लाइंस में ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो अगर ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे माइनस सिक्स बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव मेरे पास ये सॉल्व था तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम भी सेव होगा और बी पॉइंट मुझे मिलेगा माइनस नाइन बाय फाइव माइनस सिक्स बाय फाइव तो देखिए ए और बी पॉइंट के कॉर्डिनेट्स हमें मिले हैं बाय सॉल्विंग यू इक्वल टू जीरो एंड वी इक्वल टू जीरो फ्राम बोथ इक्वेशंस अब हमें सी पॉइंट मिलना चाहिए तभी हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं तो ये ए और बी पॉइंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ ए इज़ माइनस सिक्स बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव बी इज़ माइनस नाइन बाय फाइव माइनस सिक्स बाय फाइव सो दिज आर द पॉइंट्स एंड बी विच आर द एंडस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल तो देखिए ये सर्कल है और यहाँ पे ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल तो इस सर्कल का हम डायमीटर दिखाएंगे दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल ए बी और इज द डायमीटर ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर सी इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कल तो हमने अभी देखा है ए सी बी सी को परपेंडिकुलर है इसलिए सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल हैविंग ए बी डायमीटर ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी तो अब हम सेंटर यहाँ पे निकाल सकते हैं तो देखिए सेंटर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी डाईमीटर का मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस सिक्स बाय फाइव एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस नाइन बाय फाइव अपॉन टू वाई वन माइनस वन बाय फाइव प्लस वाई टू माइनस सिक्स बाय फाइव अपॉन टू तो इस तरह से सेंटर भी Uh, मिला है तो ये होगा माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस थ्री बाई टू इज़ द माइनस थ्री बाई टू इज एक्स कॉर्डिनेट ऑफ द सेंटर और यहाँ पे माइनस सेवन बाई फाइव बाई टू माइनस सेवन बाई टेन तो ये है सेंटर के कॉर्डिनेट सेंटर हमें मिल गया है अब रेडियस भी हम फाइंड आउट करेंगे हमें सी पॉइंट के कॉर्डिनेट्स निकालने के हैं तो सेंटर ओ इज माइनस थ्री बाई टू माइनस सेवन बाई टेन रेडियस देखेंगे तो रेडियस है ओ ए या ओ भी कोई भी डिस्टेंस आप फाइंड कीजिए दैट विल गिव द रेडियस तो ओ ए हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला माइनस सिक्स बाई फाइव माइनस माइनस प्लस थ्री बाई टू होल स्क्वायर और वाई वन माइनस वाई टू माइनस वन बाई फाइव माइनस माइनस प्लस सेवन बाय टेन का होल स्क्वायर तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है ओ इज़ द रेडियस तो इसका भी uh, कैलकुलेशन मेरे पास है आपको रेडियस मिलेगी रूट ऑफ थर्टी फोर बाय टेन तो रेडियस भी हमें मिल गई है अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से हम निकाल सकते हैं देखिए हमें सेंटर पता है तो इट मींस दिस सेंटर इज एच कॉमा के सेंटर को हम कहेंगे एच कॉमा के पैरामीट्रिक फॉर्म से हम सी पॉइंट के कॉर्डिनेट्स लिखेंगे इसलिए सेंटर को हम कहेंगे एच कोमा के एंड आर इज द रेडियस तो सी पॉइंट के कॉर्डिनेट्स हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं वी कैन राइट सी पॉइंट एज एच प्लस थीटा, एच प्लस आर थीटा, वाई कॉर्डिनेट इज के प्लस आर साइन थीटा तो ये है सी वर्टेक्स ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी वेयर सी लाइज ऑन द सर्कल एंड ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल ओके तो देखिए ये यहाँ से हम C के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हमें सेंटर पता है रेडियस पता है तो हम C पॉइंट को इस तरह से लिख सकते हैं H H मीन्स व्हाट माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू प्लस आर आर मीन्स रेडियस रेडियस देखिए रूट ऑफ थर्टी फोर बाय टेन कॉस्थीटा और y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज k प्लस आर साइन थीटा के इज़ माइनस सेवन बाई टेन प्लस आर इज़ रूट थर्टी फोर बाय टेन साइन थीटा साइन थीटा तो ये है पॉइंट uh, सी तो सी uh, के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं और एंड बी uh, हमें ऑलरेडी पता है ओके okay? तो देखिए ये सी पॉइंट को मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ सो दिस इज पॉइंट सी वर्टेक्स सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी और इन ए और बी ये दोनों पॉइंट्स भी नेक्स्ट पेज पे लेते हैं ए एंड पॉइंट बी तो हमें ए बी सी तीनों वर्टाइसेस पता है ऑफ ट्रैंगल ए बी सी नाउ वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करने का है वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी एंड दिस इज वर्टेक्स सी तो हम सेंट्रोइड को कंसिडर करते हैं एक्स कॉमा वाई लेट एक्स कॉमा वाई बी देंट्रॉइड बी देंट्रॉइड ऑफ़ दिस ट्रेंगल ए बी सी और सेंड्रॉयड फार्मूला हम यूज करेंगे तो हमें सेंड्रॉयड का ही लोकस पूछा है लोकस ऑफ सेंड्रॉयड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी तो इसलिए हमने सेंड्रॉयड के कॉर्डिनेट्स लिए हैं एक्स कॉमा वाई ओके तो देखिए हम लिखेंगे सेंड्रॉइड का एक्स कॉर्डिनेट एक्स सेंड्रॉयड का एक्स कॉर्डिनेट एक्स इज एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री वाई थ्री तो एक्स वन ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एक्स वन इज माइनस सिक्स बाई फाइव प्लस वाई वन माइनस नाइन बाय फाइव प्लस वाई एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ओके माइनस थ्री बाय टू प्लस रूट थर्टी फोर बाय टेन थीटा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री और वाई अपॉन थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री वाई कॉर्डिनेट देखिए वाई वन वाई वन इज़ माइनस वन बाई फाइव प्लस वाई टू माइनस सिक्स बाई फाइव वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री मीन्स यहाँ पर यह होगा माइनस सेवन बाई टेन सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस सेवन बाय टेन प्लस रूट थर्टी फोर बाय टेन इंटू साइन थीटा अपॉन थ्री तो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स विल बी इक्वल टू एक्स कितना होगा देखिए माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस फिफ्टीन बाय फाइव माइनस फिफ्टीन बाय फाइव ये होगा माइनस थ्री माइनस थ्री और आगे हैं माइनस थ्री बाई टू तो दिस इज माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन बाई टू माइनस नाइन बाई टू प्लस रूट ऑफ थर्टी फोर बाई टेन इंटू कॉस थीटा अपॉन थ्री ओके अब वाई इक्वल टू देखेंगे वाई को हम सिंप्लीफाई करेंगे माइनस सेवन बाय फाइव माइनस सेवन बाई टेन माइनस सेवेन बाय फाइव माइनस सेवेन बाय टेन तो माइनस फोर्टीन माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन बाई माइनस ट्वेंटी वन बाई टेन प्लस दिस रूट ऑफ थर्टी फोर रूट ऑफ थर्टी फोर बाय टेन साइन थीटा अपॉन थ्री तो ये है सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट तो थ्री को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में थ्री एक्स प्लस नाइन बाई टू थ्री एक्स प्लस नाइन बाई टू होगा रूट ऑफ थर्टी फोर बाय टेन इंटू कॉस थीटा रूट ऑफ थर्टी फोर बाय टेन इंटू कॉस थीटा और इस सेकंड इक्वेशन से थ्री वाई थ्री वाई देखिए हमें थ्री वाई क्या मिलेगा थ्री वाई प्लस करेंगे ट्वेंटी वन बाई टेन इक्वल्स टू रूट ऑफ थर्टी फोर बाय टेन साइन थीटा ओके तो हमें ये दोनों इक्वेशन मिले हैं इसमें से अगर हम थीटा एलिमिनेट करेंगे तो हमें सेंट्रोइड का लोकस का इक्वेशन मिल जाएगा तो चलिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं थ्री एक्स प्लस नाइन बाई टू कॉस थीटा के फॉर्म में है थ्री बाई प्लस ट्वेंटी वन बाई टेन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा ओके तो हमें थीटा एलिमिनेट करने का है तो आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और हमें लोकस का इक्वेशन मिल जाएगा सो थ्री एक्स प्लस नाइन बाई टू थ्री एक्स प्लस नाइन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस ट्वेंटी वन बाई टेन होल स्क्वायर इक्वल टू ये होगा रूट थर्टी फोर बाय टेन कॉस थीटा का स्क्वायर और रूट थर्टी फोर बाय टेन साइन थीटा का होल स्क्वायर तो ये होगा थर्टी फोर बाय हंड्रेड इंटू कॉस्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन मिलेगा हमें यहाँ से थ्री कॉमन लेंगे तो नाइन बाहर आएगा ब्रैकेट के और एक्स प्लस थ्री कॉमन है तो थ्री बाई टू का होल स्क्वायर यहाँ से भी थ्री कॉमन लेंगे तो नाइन इंटू वाई प्लस होगा सेवन बाय टेन का होल स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सेवनटीन बाय फिफ्टी टू से डिवाइड करेंगे अब uh, ये होगा एक्स प्लस थ्री बाई टू होल स्क्वायेर नाइन से डिवाइड करो वाई प्लस सेवन बाई टेन का होल स्क्वायर और सेवेंटीन अपॉन फिफ्टी इंटू नाइन ये होगा फोर फिफ्टी तो देखिए ये है इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी तो अच्छा क्वेश्चन था फैमिली ऑफ लाइंस और सर्कल कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है और मुझे लगा कि इसका सोल्यूशन आपको देना चाहिए तो ये है लोकसॉप सेंटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी तो स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन है बेस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चन मैं ढूंढते रहता हूं अगर मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता है इम्पोर्टेंट लगता है कंसेप्चुअल लगता है तो मैं उसका सोल्यूशन देते रहता हूं तो स्टूडेंट्स अगर आपको मैंने सॉल्व करके दिए हुए क्वेश्चंस के सोल्यूशन समझ में आते हैं पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो देखते रहिए सीखते रहिए ओके बाय